दोस्तों यूपीआई का जमाना है, हम रुपीज वन का भी पेमेंट्स करना है तो यूपीआई ऐप के थ्रू रुपीज वन का हम पेमेंट्स करते हैं। तो 2024 आ गया है, तो ऐसे में आरबीआई ने 5 ऐसे नए रूल्स यूपीआई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड यहां अनाउंस किए हैं, तो ये 5 रूल्स को जानना जरूरी है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। आज के इस वीडियो में आपको इसी 5 रूल्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा एक लाइक करके भी जरूर जाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, यहाँ पे आपने कोई भी यूपीआई आईडी आपने क्रिएट कर रखा है, अगर आपको वो आप जो है उस यूपीआई आईडी को 1 साल तक यूज नहीं करते हैं, उससे 1 भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तो वो आपका यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप उस जो है जो भी यूपीआई आईडी आपने क्रिएट कर रखा है, तो एटलीस्ट 12 महीने में एक बार तो उस यूपीआई आईडी से कोई भी ट्रांजेक्शन आपको करना ही पड़ेगा एक्टिवेट, उस जो यूपीआई आईडी को एक्टिव रखने के लिए। तो आरबीआई ने सभी जो यूपीआई ऐप्स हैं लाइक पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इस तरह के सभी यूपीआई ऐप्स के लिए निर्देश जारी किया है कि इस तरह के जितने भी पुराने जो यूपीआई आईडीज हैं जो कि 1 साल से यूज़ नहीं किए गए हैं, उस यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट करने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। यानी कि आपने उस यूपीआई आईडी को यूज़ नहीं किया होगा तो उस यूपीआई आईडी से आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, वो यूपीआई आईडी बंद हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी बढ़िया यहाँ जो है नया गाइडलाइन यहाँ आरबीआई ने जो है किया है। तो इस तरह से जो है इस तरह के जो भी पुराने यूपीआई आईडी होते हैं, ज़्यादातर फ्रॉड ट्रांजेक्शन इसी यूपीआई आईडी से कर दिए जाते हैं, यही रीज़न है इस तरह से जो है स्टेप जो है आरबीआई ने उठाया है। नंबर 2, यूपीआई लिमिट्स। तो जो भी आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, एक बार में जो है एक दिन में आप ₹1 लाख का यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन 8 दिसंबर 2023 को इस बार जो है आरबीआई ने यहाँ इसकी लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। लेकिन ये जो 5 लाख का लिमिट है सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन कैटेगरी के लिए यहाँ रखा गया है, बाकी जो है एट प्रेजेंट की बात किया जाए नॉर्मल यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए डेली यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिमिट ₹1 लाख रखी गई है। तीसरा जो रूल है, अगर आपने कोई नया यूपीआई आईडी क्रिएट कर रखा है और उस यूपीआई आईडी से कभी भी आपने 1 भी बार ट्रांजेक्शन नहीं कर रखा है, तो किसी भी नए यूपीआई आईडी से आप जो है आप सिर्फ ₹2000 का ही पहला ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको 4 घंटे का वेट करना पड़ेगा। तो ये जो नियम है किसी भी प्रकार के फ्रॉड से, यूपीआई फ्रॉड से बचने के लिए ये रखा गया है। मान लेते हैं कि कोई भी आपसे कोई भी इस तरह का यूपीआई फ्रॉड करता है, तो जो है आपके अकाउंट से यहाँ हैक करके यूपीआई आईडी जनरेट करने के बाद आप जो है वो जो भी फ्रॉडस्टर होते हैं सिर्फ ₹2000 का ही यूपीआई ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 4 घंटे के बाद ही ट्रांजेक्शन होगा। ऐसे में जो भी आपके साथ फ्रॉड होता है आपके फ़ोन में SMS चला जाएगा कि आपके अकाउंट से ₹2000 डेबिट हुए हैं, तो आप जल्दी से एक्शन ले लेंगे और यहाँ पे बैंक में जाकर जो भी आपका सेविंग्स अकाउंट है उसको फ्रीज करा देंगे या उस जो अकाउंट है उससे पैसे को विदड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे में किसी भी तरह का अब जो है यूपीआई फ्रॉड से आप अब जो है बच सकते हैं, इस तरह से आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, सिर्फ ₹2000 का ही यहाँ नुकसान होने वाला है। सो दिस रूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रूल टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ यूपीआई फ्रॉड। 4th नंबर पे आरबीआई ने अनाउंस किया है कि 4th रूल्स की बात किया जाए तो यहाँ पे 4th जो अनाउंसमेंट हुआ है वो यूपीआई एटीएम से रिलेटेड है। यानी कि किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और एटीएम से कैश भी विड्रॉ कर पाएंगे, तो ये बहुत ही फास्ट और इजी कन्वीनियंट होने वाला है। यहाँ कोई भी बैंक का एटीएम कार्ड के कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्यूआर को स्कैन करके एटीएम से कैश विड्रॉ कर पाएंगे। 5वां जो रूल है टैप एंड पे, यानी कि यूपीआई जो भी ऐप्स होते हैं उसके थ्रू जो है टैप एंड पेमेंट भी कर पाएंगे, तो ये भी एक प्रकार का नया फीचर होने वाला है। तो आप मान लेते हैं कि आप कहीं ऐसे जगह गए हैं वहाँ पे कोई भी इंटरनेट की सर्विस नहीं है या तो नेटवर्क नहीं है, तो ऐसे में आप जो है टैप एंड पेमेंट का फीचर के थ्रू आप जो है पेमेंट कर पाएंगे, मोबाइल के थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे। तो इसके लिए पेमेंट जो है मनी सेंड करने वाले के पास और मनी रिसीव करने वाले के पास दोनों के पास जो है NFC सपोर्ट वाला उनके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन वाला उनके दोनों फ़ोन में ये फीचर होना चाहिए, तभी जाके जो है टैप एंड पेमेंट वाला ये UPI फीचर वाला से आप पेमेंट कर पाएंगे बिना किसी इंटरनेट के। तो ये रहे 2024 के 5 नए RBI के UPI से रिलेटेड रूल्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा, कौन सा रूल्स अच्छा लगा,
लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इसी तरह की वीडियोस देखते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक करके भी जरूर जाएगा। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।